साथियों, आज हम आपको बताएंगे आप अपने ईपीएफओ फंड में किस प्रकार से डिटेल वगैरह जो है वो अपडेट कर सकते हैं, अपनी पासबुक वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम सर्च करते हैं ईपीएफओ। ईपीएफओ सर्च करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। मेंबर होम पर आपने क्लिक करना है। मेंबर होम ऑप्शन जो है वो हमारे सामने जहाँ पर खुल गया है, आपने इसमें अपना यूएएन नंबर डाल देना है यहाँ पर जो कॉलम आ रहा है। तो हम यहाँ पर अपना यूएएन नंबर डाल देते हैं। हमारा यूएएन नंबर यहाँ पर पहले से ही फिल है, तो यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपने कैप्चा वगैरह फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन, ये देखिए हम साइन इन हो चुके हैं और यहां पर आ रहा है ई नामांकन सुविधा हस्ताक्षर के माध्यम से उपलब्ध है। ये करना जरूरी है और इसका आपको आप बाद में भी कर सकते हैं अगर आपने अभी नहीं करना, तो हमने अभी नहीं करना, हम लेटर कर देते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आपकी सारी जो है वो डिटेल वगैरह आ रही है डिजिटली साइन। आपका पैन कार्ड जहां पर लिंक नहीं है, जैसे जी आ रहा है जिस बंदे का मैं कर रहा हूँ, इसका पैन कार्ड जहां पर नहीं है लिंक, यहां क्लिक करेंगे पेंसिल के निशान के ऊपर, पैन कार्ड की डिटेल अपडेट करने के लिए हम पैन पर क्लिक करेंगे। ये आपको पैन कार्ड यहां पर नाम आ रहा है बंदे का और यहां पर हमने पैन कार्ड डालना है, जो भी पैन कार्ड नंबर होगा वो हम यहां पर फिल कर देते हैं। उसके बाद सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए यहां पर ऑप्शन आ गया, केवाईसी डिटेल हैव बीन सेव्ड एंड सीडेड ओनली आफ्टर डिजिटल अप्रूवल बाय एम्प्लॉयर। तो हमने यहां पर रिक्वेस्ट डाल दी है, तो ये अभी पेंडिंग चला हुआ है, तो ये हो जाएगा। अब ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर स्टेटस में पेंडिंग चला हुआ है जो एम्प्लॉयर के पास, तो आपको अपनी कंपनी में जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उनको बताना होगा कि आपने ऐसे अपडेट की रिक्वेस्ट डाली है, तो कृपया उसको अप्रूव करें, वो अप्रूव कर देंगे। जैसे ये मैंने जिस बंदे का किया है वो स्कूल में काम करता है, तो वो अपने अब स्कूल वालों को बताएगा और स्कूल वाले जो है वो इसको अप्रूव कर देंगे। जी मैंने HDFC बैंक का अकाउंट नंबर और पैन कार्ड जो है वो इसमें अपडेट किया है, पैन कार्ड और HDFC बैंक का अकाउंट नंबर इसमें अपडेट किया है। अगर आपके पास SBI का अकाउंट है तो वो आपके कंपनी के बिना भी रजिस्टर्ड हो जाएगा, डायरेक्ट जो है वो अप्रूव हो जाता है।